मध्ये होणार गेल्या रात्री सड़के मारी जो है ना शुरू हो गई है टेंट। रादौर में पिछले काफी समय से जर्जर हो चुके क्षेत्र की सड़कों के हालात अब बदलने वाले हैं। सरकार की ओर से करीब 20 करोड़ रुपए की राशि से इन सड़कों की कायाकल्प होगी। इस राशि से इन सड़कों की नवीनीकरण व चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा रादौर में करीब 14 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसमें रादौर के सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग के नवीनीकरण का भी कार्य शामिल है। वहीं आज रादौर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा, 19 करोड़ 22 लाख रुपए जो है हमारा सड़कें वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग करने का काम जो है ना शुरू होगा। उसमें हमारी जो मेन सड़क है वो रादौर से जठलाना मार्ग है, जो कंक्रीट की बनेगी 16 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से। इसकी ये टेंडर में लग चुकी है और टेंडर जो है इसका कंप्लीट होगा, नवंबर में टेंडर खुलेंगे तब इस पर काम शुरू हो जाएगा। बहुत लंबे समय से इलाका के लोग जो है ना बाढ़ जो रहते हैं कब ये सड़क बनेगी, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है हमारे खादर क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और ये सड़क इतनी अच्छी बनेगी, कंक्रीट की सड़क बनेगी, 7 मीटर चौड़ाई इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, 7 मीटर की सड़क बनेगी जिसकी 9 साल की जो है ना गारंटी पीरियड में ये सड़क रहेगी। 9 साल तक जो है ना उसी ठेकेदार ने इसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये बहुत ड्यूरेबल चलने वाली हमारी सड़क है। इसी के साथ साथ एक माध्यमा चौक से हमारे गांव में मंदार गांव में एक सड़क जाती है जो बिल्कुल छोटी सड़क है, 12 फुटी है और काफ़ी जर्जर अवस्था में है। उसका भी लगभग 40 लाख रुपए वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का 12 फुट से 18 फुट जो है ना वो सड़क भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की है। देखिए ये बात जो है ना जो आप बता रहे हो भी घटिया स्तर की अगर सामग्री कहीं भी प्रयोग होगी, सड़कों की जाँच करने के लिए सरकार ने एक टेक्निकल विंग बनाया हुआ है और जब भी उनके पास कोई इस प्रकार की कंप्लेंट जाती है तो वो उसकी जाकर के चेकिंग करते हैं, उसके सैंपल लैब के अंदर भेजते हैं और अगर ऐसी कोई बात हुई तो निश्चित तौर पर उसकी जाना टेक्निकल डिपार्टमेंट से, जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है इसका PWD का, उसको लिखित में भेज करके और उसके सैंपल भरवा करके उसकी चेकिंग करवा देंगे और ताकि जो है ना उसका ठीक प्रकार से उसकी जो है ना रिपेयर हो, अच्छा उसमें मटेरियल लगे